क्लिपिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी लाइन को या किसी भी पर्टिकुलर पॉलिकॉन फिगर्स को कट करते हैं जो कि विंडो के आउटसाइड प्रेजेंट होता है इसके लिए हम फिगर देखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा मान लीजिए ये पोर्शन जो मैं रेक्टेंगल बनाया है मेरा ये विंडो एरिया है ओके okay? और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि ट्रैंगल शेप का है तो जो विंडो के अंदर प्रेजेंट है फिगर एक प्रजेंट एक पोर्सन प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट का और जो आउटसाइड प्रेजेंट है तो इस जो विंडो के अंदर प्रेजेंट है वो हम डिस्प्ले करेंगे और जो आउटसाइड प्रेजेंट है उसे हम कट कर देंगे ठीक है विंडो से कट कर देंगे और रिमूव कर देंगे हटा देंगे तो ये रिमूव करना ठीक है इस पर्टिकुलर पोर्सन को रिमूव करना ही हमारा क्या कहला रहा है ये पर्टिकुलर पोर्सन जो है इसे रिमूव करना यही है हमारा क्लिपिंग प्रोसेस तो इसे हम क्लिप कर देंगे मतलब कट कर देंगे रिमूव कर देंगे और क्लिपिंग प्रोसेस के बाद जो हमारा आउटपुट होगा वो ये होगा ठीक है तो ये है हमारा प्रोसेस क्लिपिंग ठीक है है क्लिपिंग होता है, कट ऑफ करना रिमूव करना जो अनवांटेड पोर्शन है या अनवांटेड पार्ट है किसी पर्टिकुलर फिगर के जो कि आउटसाइड द विंडो करना उसी को हम क्लिपिंग प्रोसेस बोलते हैं अब ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं uh, तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्सन ऑफ पिक्चर्स इन साइड और आउटसाइड स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एज क्लिपिंग रीजन ओके तो दो तरीके के रीजन होते हैं एक क्लिपिंग रीजन होता है और एक क्लिप्ड रीजन होता है अब मैं ये आप बता दूँ कि आपको क्लिपिंग रीजन कौन है और क्लिप्ड रीजन क्या है क्लिपिंग रीजन ये है हमारा जो अंदर का पोर्सन है जो विंडो के अंदर का पोर्सन है उसे हम क्लिपिंग रीजन बोलते हैं और जो आउटसाइड का पोर्शन है ये ठीक है जिसमें जो विंडो के बाहर है ठीक है उसे हम बोलते हैं क्लिप्ड पार्ट या क्लिप्ड रीजन याद रखिएगा इसे क्लिप्ड रीजन बोलते हैं और इसे क्लिपिंग रीजन बोलते हैं जो इनसाइड दी विंडो होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ओके okay. तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इफ इट इज इनसाइड द लाइन इज डिस्प्ले ठीक है अगर इनसाइड होगा तो लाइन डिस्प्ले होगा एंड इफ इट इज आउटसाइड देन इट इज डिस्कार्डेड ओके अगर वो आउटसाइड प्रेजेंट है तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे रिमूव कर देंगे इफ़ इट इज क्रॉस द बाउंड्रीज वी मस्ट डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड ड्रॉ ओनली पोर्सन विच आर इन साइड ओके अगर बाउंड्री पर है क्योंकि बाउंड्री के आसपास हमें तब पॉइंट्स को डिटरमाइन करना रहता है कोऑर्डिनेट्स को अगर वो कोऑर्डिनेट्स विंडोज के अंदर लाइक करते हैं तो वो पोर्शन हमारा डिस्प्ले होगा अदरवाइज वो क्या होगा आउटसाइड द विंडो होगा तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा ठीक है पॉइंट क्या है द दैट इज लेफ्ट आउटसाइड द रीजन ऑफ विंडोज इज कॉल्ड क्लिप पार्ट तो मैंने अभी पहले आपको बताया था क्लिप पार्ट बोले या क्लिप रीजन बोल द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द इनसाइड इमेज ऑफ द विंडो इज कॉल्ड क्लिपिंग ओके okay, तो जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं इनसाइड विंडो में ठीक है जो भी इमेज हम विंडो के इनसाइड में डिस्प्ले कर रहे हैं उसे क्लिपिंग बोलते हैं ठीक है और एनी प्रोसीजर दैट डिफाइन अ पोर्शन ऑफ एनी पिक्चर्स विच इज़ आइदर इनसाइड और आउटसाइड द रीज़न स्पेसिफाई इज कॉल्ड क्लिपिंग एल्गोरिथम ओके तो ये क्लिपिंग के लिए हम कई सारे एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं ठीक है तो ये सभी पिक्चर्स को डिटरमाइन करना कि कौन सा पोर्शन आउटसाइड होगा कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया इनसाइड होगा विंडो के तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के क्लिपिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं द रीजन अगेंस्ट विच एन ऑब्जेक्ट इज टू बी क्लिप्ड इज कॉल्ड क्लिप्ड विंडो ये उस रीज़न को बता रहा है ये जो मैंने येल्लो से अंदर का बताया है ना ये वाला रीज़न जिसके अंदर हम पिक्चर्स को शो करते हैं उसे को क्लिप्ड विंडो बोलते हैं क्लिपिंग एल्गोरिज्म कैन भी अप्लाइज इन दी वर्ट कॉर्डिनेट सो दैट ओनली the इन so in the windows interior are mapped to डिवाइस कॉर्डिनेट ओके तो ओवरऑल यही बता रहा है जो विंडो के इनर साइड में जो भी फिगर होगा या जो भी लाइन्स होंगी उन्हीं को हम रिप्रजेंट करेंगे और आउट को क्लिप कर देंगे तो ये figure यह आप बना लेना ये बेस्ट फिगर रहेगा आपके लिए समझने के लिए और एग्जाम के लिए भी तो इसमें क्या है हम एक विंडो बनाए एक ऑब्जेक्ट बनाए और लेबलिंग कर दिया है क्लिप विंडो ऑब्जेक्ट बिफोर क्लिपिंग और क्लिपिंग प्रोसेस के बाद हमारा ये आउटपुट है टाइप्स ऑफ क्लिपिंग तो तीन पांच टाइप्स की क्लिपिंग है पॉइंट क्लिपिंग लाइन क्लिपिंग पॉलीगोन क्लिपिंग टेक्स्ट क्लिपिंग और कर्व क्लिपिंग इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके बाकी ओवरऑल आज इस वीडियो में तो हमारा यही था कि वॉट इज़ क्लिपिंग तो हमने क्लिपिंग के टाइप्स और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में